गाइज गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ जॉगिंग के लिए, तो चलिए फिर आपको ले चलते हैं। सो गाइज यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं पार्क और सीधा जाएंगे योगा करने। हर रोज मैं पहले मशीन में जॉग करती थी, लेकिन आज हम योगा से स्टार्ट करेंगे। आइए मेरे साथ, क्योंकि आज इसके स्कूल बंद है और नवाज स्कूल चला गया है, उसके पापा छोड़ने गए हैं। उसके पापा यहाँ पे फिर आ जाएंगे हमारे साथ, पर जिन बच्चों के स्कूल बंद है वो झूले झूल रहे हैं। तो ये रहा मेरा रास्ता, मैं इधर से हर रोज जाती हूँ। इधर से वॉक करते हैं पहले और चलते हैं अपने योगा सेंटर की तरफ। मॉर्निंग का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। आई थिंक सबको सुबह सुबह उठ करके पार्क की सैर करनी चाहिए, इससे माइंड फ्रेश हो जाता है और बॉडी तो अच्छी होती है। बीच में योगा करते हो, कशिश इधर आ जाओ, धूप आ रही है। ये आ गया मेरा इलाका, यहीं पे मैं करती हूँ। सो हम यहाँ पर मैट बिछाते हैं। इतनी मस्त मस्त से हवा चल रही है ना गाइस, और आपको चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। सो गाइस हम योगा से स्टार्ट करेंगे, इसीलिए मैंने शूज पहने हैं। अभी मैंने शूज उतारने हैं। सो गाइस ये जो वीडियो है ना, ये एनिवर्सरी के दिन की है। थोड़ी सी देर होगी मुझे अपलोड करने में, क्योंकि उस टाइम ईद भी पड़ी थी, तो ईद की तैयारी में मैंने बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं की। तो ये फ्लैशबैक है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को रील्स की प्रैक्टिस करवाई ना, गाना वाना कर रहे थे और थोड़ा सा इन्जॉय किया। फिर वो ले गए, वो मुझे उन्होंने मुझे फ़ोन गिफ्ट किया। इसके बाद हम लोग स्पार्क मॉल चले गए। वैसे तो अफ्तारी हम लोग कर चुके थे, पेट बिल्कुल भरा हुआ था, कुछ खाने का मन नहीं था, फिर भी थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए चले गए हम लोग और थोड़ा सा एंजॉय कर लिया। ये ना पेट भरा हुआ था, बहुत तरह के खाना खा चुके थे हम लोग, तो क्या खाएं समझ नहीं आ रहा था। और बच्चों को तो ऑल टाइम पिज़्ज़ा, इनका ऑल टाइम फेवरेट है, तो पिज़्ज़ा मंगा लिया हमने और पिज़्ज़ा खाने लगे और कोल्ड ड्रिंक लिया था, बस वही खाया हमने और एन्जॉयमेंट हो गई। अच्छा लगा, मज़ा आया। सबसे मज़ा तब आया जब मैंने अपने हस्बैंड को रील्स बनाना सिखाया। इतनी मेहनत करनी पड़ी ना, उनको आ ही नहीं रहा था, गाना आ ही नहीं रहा था, मैं क्या बताऊँ, लिपसिंग नहीं हो रही थी उनसे। और बहुत मुश्किल से वो गाना शूट किया और उसको मैंने सेव करके रख लिया। मेरी एनिवर्सरी है तो अभी हम स्पार्क मॉल घूम के आ गए हैं, और मुझे एनिवर्सरी एज एनिवर्सरी गिफ्ट मुझे एक छोटा सा फ़ोन मिला है, वीवो Y75 है ना, आईफोन या फिर डायमंड रिंग नहीं मिला। महंगे फ़ोन का शौक भी नहीं है मुझे। नवाज़ बहुत ही मतलब सैड है इसलिए, क्योंकि तो नवाज़ आपको दिख रहा होगा नवाज़ कितना गुस्सा है। वो सोच रहा था कि जब मुझे नया फ़ोन मम्मी का आएगा तो पहले वाला फ़ोन उसको मिल जाएगा, लेकिन सो गाइस ये है वीवो Y75 का लुक। ये सिंपल सा दिखता है, लेकिन इसकी जो वीडियो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है, जो मुझे रील्स वीडियो के लिए चाहिए, जो मैं इंस्टा पे रील्स बनाती हूँ उसके लिए। और इसकी वीडियो क्वालिटी मैंने चेक की है, बहुत अच्छी है। साथ में मुझे ये सोनी का हेडफोन एज ए गिफ्ट मिला है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। हाँ।
एकदम प्रो गेमर से लग रहा हूँ। तो और बाकी मुझे क्या क्या मिला है मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक साड़ी लाए हैं हस्बैंड मेरे लिए, और उनको जितनी समझ है ना कपड़ों की उस हिसाब से बहुत अच्छे लाए हैं इस बार, बहुत पसंद आई मुझे। ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है और कलर इसका पिंक है, और साथ में इसका ब्लाउज मिला है ये वाला, मैं खुद ही स्टिच करूंगी। अब जिद करके अगर मैं जिद करती तो मुझे शायद आईफोन मिल भी जाए। हस्बैंड अपने मन से आपको कुछ देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना, तो ये सब उन्होंने अपने मन से दिया है इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ये डब्लू की कुर्ती है जो अनस्टिच है, इसको स्टिच करवाना पड़ेगा। ये बहुत ही प्यारा सा ब्लू कलर में, एकदम रॉयल ब्लू कलर में है। इधर एक प्लेन सा फैब्रिक है और इधर जमावर के फैब्रिक है। वो देखिए इसमें गोटा पत्ती, तिल्ले और सितारों का काम है। देखिए कितनी मज़ेदार सी स्लीव्स की डिज़ाइन है इसकी, से बने इस तरह से रहेगा। ये एक क्वार्ट्ज की बहुत खूबसूरत है। इसकी सबसे ख़ास बात क्या है, ये ब्रेसलेट की तरह है, इस तरह से इसको पहन सकते हैं। अरे मुझसे वॉच बहुत खोते हैं, अंदर इसका डायल जो है ब्लैक कलर की। ये थे मेरे एनिवर्सरी के गिफ्ट, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और तो जी मिलते हैं एक नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय।